अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनवाइंडिंग सी एस एस अकेडमी इंटरव्यू सीरीज़। मैं हूं मुजीब रहमान। हमारे आज के मेहमान हैं सर मीर गुलाम मुर्तजा साहब, जिन्होंने रिसेंटली 2023 में सी एस एस क्वालिफाइड करके OMG ग्रुप में लोकेट हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मुजीब एंड थैंक यू यूसीए हैदराबाद फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, फॉर हैविंग मी हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यंगेस्ट पेरेंट्स। थैंक यू। सर, हमें तो आपका इंट्रोडक्शन पता है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज़। जी, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन लाजमी है। माई नेम इज़ नीर गुलाम मुर्तजा। आई एम फ्राम पन्नुवाकिल, विच इज़ अ तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट सक्कर। पन्नुवाकिल के एक छोटे गाँव से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन कम्प्लीट की। उसके बाद मेरी कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पन्नुवाकिल से है, एंड लेटर आई वेंट टू मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामछोरो, फ्रॉम वेयर आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग। और 2021 में ग्रेजुएशन के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS, एंड इन 2023 आई अपीयर्ड इन CSS एग्ज़ाम एंड क्वालिफाइड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव बीन एलोकेटेड इन टू द OMG ग्रुप। जी मुझे सर, करियर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हैं, आपने CSS ही क्यों चूज़ किया कि CSS करना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, पर्टिकुलरली व्हेन एस्पायरेंट्स प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, के व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर CSS और व्हाई यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो मेरे हिसाब से इनिशियली तो हमें इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज आई वॉज अ विलेजर एंड आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास। लेकिन जैसे ही व्हेन आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, व्हेन वी वर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, आई रियलाइज्ड कि आई कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच इन माई ओन फील्ड। सो ब्यूरोक्रेसी इज द ओनली फील्ड वेयर द पीपल आर द एस्पायरेंट्स आर द यंग जनरेशन ऑफ द मिडिल क्लास आर लोअर मिडिल क्लास कैन कंट्रीब्यूट बेटर इन द सोसाइटी। तो इसी हिसाब से जब मैंने रियलाइज किया ये मैंने कि आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर इन द सोसाइटी इफ आई विल बी द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, so then I chose this field and started preparing for this to be the part of bureaucracy, and alhamdulillah because of my sincerity, because of my perseverance and because of my intention, positive intention, I qualified it in the first attempt. So इसी हिसाब से, इसी related, इसी के हिसाब से ही मैं एक I would like to suggest to the young aspirants कि they must know why they want to be the part of bureaucracy. जब उनका why clear होगा फिर उनको एक डायरेक्शन नजर आएगी, फिर व्हेन दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक उनके साथ एक मोटिवेशन होगी वाई की। तो अपना वाई क्लियर रखें और रेस्ट विल बी द वेरी इजीयर जर्नी फॉर यू। जब CSS का रिजल्ट आया और आपकी सिलेक्शन हो गई, जी जी जी, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? मुझे दीज फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई प्रे गॉड के एवरी एस्पायरेंट्स मस्ट feel, must witness, must observe these feelings, but I cannot explain these feelings. These are unexplainable moments, these are unimaginable moments. But just when the aspirants, when he sees his name on the list, just he thank God. He cannot do much better than this. He just go sometimes in sajda or sometimes in prayers, just to be thankful to God. So I am also thankful to God, because success is always divine, it is from the God. Human can only strive, but he cannot get what he want. So the results are in the divine power, divine hand. So therefore I thank God, and these are the very interesting feelings, very very impressive feelings. अच्छा, आपने CSS qualify किया है, आप इस journey से गुजरे हैं, तो एक myth कायम है ऐसे के बारे में। जी जी जी, तो ऐसे के बारे में कुछ बताएं। जी, कॉमन मार्केट में ना, बच्चों से मुखातिब होता हूँ मैं थोड़ा बहुत, कि मार्केट में देर इज़ कॉमन फियर रिगार्डिंग दी ऐसे, कि ऐसे तो अच्छा, एक टीचर था हमारा, वो कहता था ऐसे तो ऐसे, मतलब यू विल फेल इन ऐसे जनरली, तो एक फियर है मार्केट में। मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है इस फियर का, वो यही है कि वी डू नॉट नो कि विच स्ट्रक्चर शुड वी फॉलो इन ऑर्डर टू क्रैक दिस पेपर, क्योंकि एवरी टीचर विल टेल यू हिज ओन स्टाइल। हर टीचर का अपना स्ट्रक्चर है, अपना तरीका है, और एवरी टीचर हैज़ इट्स ओन स्टोरी कि मैंने ये फॉलो किया, इसी वजह से मैं पास कर गया। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, कौन से टीचर का मेथड फॉलो करें। बच्चे, मेरी एक बात याद रखें कि ऐसे की यही ब्यूटी है कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर ऐसे, क्योंकि ऐसे इज़ योर ओपिनियन, ऐसे इज़ द डिबेट, ऐसे इज़ योर perspective, your stance.
तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन भी आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर अपना होना चाहिए। सो ये याद रखना, क्योंकि वैरायटी इसी वजह से है क्योंकि दिस इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ एसे एसे पेपर। तो आपका भी स्ट्रक्चर, आपका स्टाइल अपना होगा, अपना होगा, क्रिएटिव होगा, तो देन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये जो मार्केट में फियर है, सिंपल तरीके से तैयार करना है इसे, अपना स्ट्रक्चर डेवलप करें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और एक अपना स्ट्रक्चर से इसे लिखें। बस जो बेसिक चीज़ें हैं उनको माइंड में रखनी है और इंशाल्लाह आपका करें ये इसे पेपर पास हो जाएगा। जी मुजीब सर, ऐसे में कोई एस्पिरेंट अगर पास होना चाहे और 40 प्लस मार्क्स लेना चाहे, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सो हाउ टू पास द एसे, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मार्केट में फियर है काफ़ी कि कैसे पास करें। एवरी वन हैज़ इट्स ओन स्टोरी, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स है, अथेंटिक सोर्स है, वो है एग्जामिनर रिपोर्ट। आप एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें, वाट आर द क्राइटेरियाज, वाट एग्जामिनर्स वांट फ्रॉम यू, वो देखें और उसके हिसाब से इसे आपका आराम से पास हो जाएगा। तो वाट आर द की पॉइंट्स दैट आर हाईलाइटेड इन दिस रिपोर्ट्स, द वन मेजर पॉइंट, मेजर फ्लॉ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर्स इज बेसिक ग्रामर, कि बच्चों का बेसिक ग्रामर ही ठीक नहीं है। अगर बेसिक ग्रामर ठीक नहीं होगा तो ऐसे आपको कैसे पास होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी, योर इंग्लिश शुड बी ग्रामेटिकली फ्लॉलेस, ग्रामेटिकली करेक्ट। सेकंड पॉइंट, रिलेवेंसी मींस यू मस्ट राइट व्हाट यू आर आस्क्ड। एग्जामिनर की पॉइंट क्या है, आई एम कोटिंग द वर्ड्स ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट, दैट स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग व्हाट दे आर आस्क्ड, दे आर राइटिंग व्हाट दे नो। ठीक है, तो रिलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट। ठीक, द थर्ड पॉइंट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, स्टूडेंट्स कुड नॉट इंटरप्रेट द टॉपिक इन राइट डायरेक्शन, लिखा कुछ और होता है और वो समझते कुछ और है। जैसे अभी मूवी आई थी ना टॉयलेट फेल, उसमें क्या था कि वो ऐसे शायद ऐसे था टूरिज्म इन इंडिया, तो वो लिख के आया था टेररिज्म इन इंडिया। दीज थिंग्स डू हैपन इन द पेपर, आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ, आई एम विटनेस टू दीज थिंग्स। और फिर बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ऐसे पास नहीं हुआ, एग्जामिनर ने पास नहीं किया। तो फिर बाद में जैसे एक शायर है ना कि जिंदगी में यही खसारा किया, इश्क करने के बाद इस्तखारा किया। तो बच्चे भी पहले रॉन्ग टॉपिक चूज करते हैं, ये खसारा करते हैं रॉन्ग टॉपिक का, और बाद में गॉड से दुआएं मांगते हैं कि ए गॉड पास करा दे। सो दैट दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। द फोर्थ थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज द आर्ग्यूमेंटेशन, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, हाउ टू प्रूव यूर पॉइंट। ऐसे में ऐसे इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंटेशन। अगर आपकी आर्ग्यूमेंटेशन पैराग्राफ स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, यू इफ़ यू आर नॉट सब्सटेंशिएटिंग द पॉइंट, इफ यू आर नॉट जस्टिफाइंग यूर स्टांस, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट एग्जामिनर टू पास यू। द फोर्थ लास्ट फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियरिटी इन यूर राइटिंग, यू मस्ट बी क्लियर what you are writing. These four or five things are significant. You must adopt these four or five things in order to get 40 marks. अगर 40 plus marks चाहिए आपको, तो वो होता है content के हिसाब से। जितना आपका content mature होगा, जितना आपका topic जो है वो literary और उसको आप अच्छे नमूने से पेश करेंगे। और ये 40 plus marks थोड़ी subjective भी होती हैं। अगर वो जो आपका stance है, आपकी जो understanding है, वो examiner से tally कर गई, examiner से align हो गई, then there is possibility he will give you 40 plus marks. Lekin do not strive for 40 plus marks, but just focus on the 40 marks, because optional, compulsory, I'm sorry, compulsory mein survival is important. Compulsory generally, but essay mein survival is very very important. Essay is like death words, jisme aap survive karte hain, but optionals jo hain wo power play hain, theek hai, usme ek aapke space hoti hai to hit the six, to hit the fours, 70-80 तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में survival is more important. सर, mock exam की CSEs में क्या अहमियत है, उसके बारे में students को कुछ बताएं please. Mock exams are very very important. एक हमारा टीचर भी है और कुलीग भी है, सत्यरत कुमार, मुझे उसके लफ्ज याद आ गए कि CSEs एक aspirant से उतनी ही दूर है जितनी उसकी कलम उसके पेज से। ठीक है, सो अगर आपने पेज छोड़ा तो CSS आपसे चली जाएगी। तो आई वुड एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स विद दीज वर्ड्स, के
मॉक्स एग्जाम से ही आपको पता चलता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर फ्लॉज, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सीएसएस में आपकी ये दोनों चीजें काम आएंगे, व्हाट आर योर, हाउ टू हाईलाइट, हाउ टू ओवरकम द वीकनेसेस एंड हाउ टू गेट योर स्ट्रेंथ, हाउ टू एम्पावर योर स्ट्रेंथ या हाउ टू प्ले विद योर स्ट्रेंथ्स। तो ये दोनों चीजें, और उसके अलावा आपने भी सुना होगा हमारे टॉपर जो है अदल रियाज गोंदल साहब, उसका इंटरव्यू, तो उन्होंने 190 प्लस मार्क्स दिए थे। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अगर आप अच्छा ग्रुप चाहते हैं सीएसएस में, तो मार्क्स आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसी हिसाब से यहाँ यूसीए पे भी मार्क्स होते हैं, अभी तो शायद एसए के मार्क्स हैं, लेकिन जैसे ही आपके पेपर्स जो हैं वो करीब आएंगे तो अदर सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो डू अपीयर हेयर, इवेल्यूएट योर वर्क, इवेल्यूएशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इफ यू वांट टू क्रैक सीएसएस एंड इफ यू वांट टू बी एलोकेटेड इनटू अ गुड ग्रुप। सर, जीके के तीन पेपर्स होते हैं, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, जीएसए, इनकी क्या अहमियत है और इनको कैसे तैयार किया जाए? जीके पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इनको पास करना मुश्किल होता था, लेकिन अभी जब एग्रीगेट बन गया है ये तीनों सब्जेक्ट्स का, तो ये क्रैक करना तो आसान है, लेकिन दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ये सब्जेक्ट्स आपकी पूरी सीएसएस डिफाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं हम पाक अफेयर से, तो पाक अफेयर मेरे हिसाब से इट इज गोइंग वेरी लो। अगर हम लास्ट 3 या 4 इयर्स का ट्रेंड देखें, तो मेरे हिसाब से जो बेसिक इश्यूज हैं वो ये हैं कि द फर्स्ट वन इज कि वी डू नॉट, एस्पायरेंट्स डू नॉट टच प्री पार्टीशन पोर्शन, वो पढ़ते ही नहीं है प्री पार्टीशन, वो पाकिस्तान अफेयर को भी करंट अफेयर का पेपर समझते हैं और जनरली 20s 30s में मार्क्स आते हैं फिर। तो अगर आपको पाक अफेयर तैयार करना है अच्छे तरीके से पाक अफेयर को, अगर इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, तो क्या करना होगा आपको, प्लीज़ एटलीस्ट डू रीड 6 to 7 बुक्स फॉर पाक अफेयर। हामिद खान का अच्छा बुक है वो पढ़ लें, ट्रैक टू पाकिस्तान इज़ अ गुड बुक, एके अजीज़ का मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वेरी गुड बुक वर्थ रीडिंग, और उसके अलावा फॉरन पॉलिसी पढ़ें, कोई भी अच्छा बुक पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पढ़ें, अकबर सैयदी का बुक पढ़ लें, और उसके अलावा डॉक्टर मलिया लोधी का बुक जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, पाकिस्तान इन द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। दीज आर वेरी वेरी कंपल्सरी बुक्स, डू रीड देम, नोट द मेन पॉइंट्स और डू राइट देम इन द पेपर एज अ रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको गुड अच्छा स्कोर देंगी पाक अफेयर में? द फर्स्ट वन इज कि यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का पेपर है तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हिसाब से ही लिखें। सेकंड पॉइंट, यू मस्ट नो अबाउट द पोस्ट पार्टीशन। मैंने देखा है बच्चे प्री पार्टीशन अगर तैयार करते हैं तो डायरेक्ट फिर करंट अफेयर, करंट जो इशूज़ हैं उनको तैयार करते हैं अखबारों से, मैगजीन से। डू रिमेंबर के 75 ईयर्स जो 76 ईयर्स की जर्नी है पाकिस्तान की, अगर वो उसका वैक्यूम होगा आपके पास, तो यू कुड नॉट हैव द गुड एनालिसिस ऑफ द करंट अफेयर, करंट इश्यूज। तो ये लाजमी याद करें कि आपको, यू मस्ट हैव द गुड एनालिसिस ऑफ 76 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान्स जर्नी। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एवरी एस्पायरेंट्स एटलीस्ट मस्ट नो द अराउंड 100 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डू गिव द रेफरेंसेस इन पाकिस्तान अफेयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Constitution is just like constitution articles are just like Islamic or the Quranic or the Hadith verses in Islamic paper. So if you want to secure good marks in Pakistan affair, do write constitutional articles in the paper. अच्छा, और आगे चलते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का तैयार करना, इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी टास्क, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, 50s में आ जाती हैं मार्क्स आराम से। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट सोर्स है पाकिस्तान के हिसाब से, तो डॉन, एब्सोल्युटली डॉन इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स। और उसके साथ ही फॉरेन अफेयर को कंसल्ट करें, इकोनॉमिस्ट को कंसल्ट करें, फॉरेन पॉलिसी को देख लें। दीज थ्री आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर। इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी फ्राम दीज मैगजीन्स। बाकी कुछ चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे, उनको फॉलो करें करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर मीन्स करंट डायनामिक्स, यू मस्ट हैव द गुड एनालिसिस ऑफ द करंट अफेयर। और लास्ट में है जीएसए का पेपर। जीएसए का पेपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इशू क्या होता है, बच्चों को मैथ नहीं आती, खास करके जो इंजीनियर्स नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं, सोशल साइंस के बच्चे होते हैं, उनके लिए मैथ इज़ प्रॉब्लम। लेकिन मेरे हिसाब से जीएसए इज़ नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट का जो एबिलिटी वाला पोर्शन है, इट्स नॉट अ टेक्निकल मैथ, इट्स अ जेनरिक मैथ जिसमें आपके जंबल वर्ड्स होते हैं, ट्राइंगल होते हैं,
प्लस में एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसमें तो इतनी मैथ्स रिक्वायर्ड होती नहीं है, दिस इज जस्ट अ माइंड गेम। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स परेशान कर रही है तो जो माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग के क्वेश्चन हैं, वो आपको आने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप उन 40 मार्क्स में से 25-30 मार्क्स गेन कर सकें। और जीएसए पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी अ डिफाइनिंग फैक्टर फॉर योर अलोकेशन एज वेल एज फॉर योर गुड ग्रुप। सो एटलीस्ट योर टारगेट शुड बी कि यू मस्ट गेट 70+ मार्क्स इन जीएसए पेपर। If you are engineer, then you must go to 80. Sir, PCE के पेपर में आपका क्या ओपिनियन है? मार्केट में एक मिथ कायम है कि जो PCE जिसकी फेल हो गई उसका पेपर फेल हो जाता है, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? जी मुझे PCE का पेपर आफ्टर एसए इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट पेपर। जो सेकंड फेल्योर रेशो होता है हमारा वो PCE में होता है बच्चों का। तो मेरे हिसाब से पहले तो ये जो मिथ है कि PCE फेल आपकी, इट मीन्स होल पेपर विल बी फेल, सो इट इज़ अ मिथ, इट्स इट हैज़ नो रियलिटी। एक तो PCE के 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो एग्जामिनर कैन नॉट फेल यू जस्ट बिकॉज ऑफ द PCE। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज के देयर एक दोस्त है मेरा, ही हैज़ बिन अलोकेटेड इन टू द PCE ग्रुप, और इंटरेस्टिंगली उसके साथ टाइम का इशू था और ही कुड नॉट राइट PCE। रफ ड्राफ्ट बनाया था उसने और फेयर ड्राफ्ट, ही कुड नॉट राइट फेयर ड्राफ्ट, उसके बावजूद भी उसकी 42 मार्क्स हैं PCE में। तो ये बिल्कुल मिथ है कि PCE आपकी फेल हो जाएगी, इट मीन्स योर पेपर विल बी फेल, सो इट इज़ अ मिथ। अभी सेकंड क्वेश्चन है कि PCE के पेपर को कैसे तैयार करें, मीन्स हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से PCE इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। अच्छा, जो जो मिथ है ना, इसमें एक लॉजिक भी है। वो लॉजिक क्या है कि अगर आपकी PCE अच्छी नहीं होगी, इट मीन्स आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी PCE में ग्रामर के इश्यूज हैं, इट मीन्स आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी ठीक नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी PCE अच्छी नहीं है तो इट मीन्स योर होल पेपर विल नॉट बी अप टू द मार्क। सो जाहिर सी बात है आपका पेपर फेल होगा, ट्रांसलेशन भी आपकी ठीक नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं तो कहता हूँ, अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू असेस द इंग्लिश ऑफ एनी एस्पायरेंट्स, उसको कहें कि PCE पेपर सॉल्व करें, कोई भी एक PCE सॉल्व करें, उसकी इंग्लिश का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी लेवल होगी, आपके सामने वो आ जाएगी। तो PCE विल डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ अ एस्पायरेंट। तो इसी हिसाब से PCE इज वेरी इंपॉर्टेंट, PCE की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी पास पेपर्स हैं वो लाजमी सॉल्व करें आप, 1980 से स्टार्ट करें 2024 तक। उसके अलावा अगर ये कंप्लीट हो जाए तो बाद में जो PMS के पेपर्स हैं वो सॉल्व करें PCE के। और उसके अलावा अभी भी टाइम है और अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी आपको जज्बा है PCE सॉल्व करने का, तो किसी UPSC के पेपर्स ले लें और वो PCE सॉल्व करें। तो ओवरऑल आपकी PCE अच्छी होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ गुड ग्रिप ऑन द PCE इफ यू वांट टू हैव ओवरऑल गुड ग्रिप ऑन द इंग्लिश। उसके अलावा जो ग्रामर के पोर्शन, जो ग्रामर का पोर्शन है, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं किसी भी एक अच्छे ग्रामर के बुक से। आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट रीड रेनन मार्टिन, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज नॉट अ गुड बुक अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। कोई भी अच्छा बुक, अगर कोई रेमंड मार्फी का बुक है, जॉन ईस्टवुड का बुक है, वो पढ़ लें तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि वहाँ से आपका स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा और ग्रामर भी ठीक हो जाएगा। तो ये तरीका है अगर इफ यू वांट टू पास दिस पेपर। जी मुझे सर ऑप्शनल पे भी हमने डिस्कस कर लिया है, कंपलसरी भी डिस्कस कर लिए, अब आते हैं प्रिपरेशन। जी स्टार्ट कहाँ से की जाए प्रिपरेशन CSS की, उसके बारे में कुछ बताएं। जी सो जब हम फाइनल कर लेते हैं कि दीज आर अवर ऑप्शनल सब्जेक्ट, दीज आर अवर कंपलसरी, तो जाहिर सी बातें फिक्स हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो होता है हाउ टू पिक स्टार्ट अवर प्रिपरेशंस, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। तो मेरे हिसाब से जैसे कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप या फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपका आफ्टर अ गुड एनालिसिस स्टार्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इंग्लिश, आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए ग्रामेटिकली। यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। एसे लिखना ना आए आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द एसे पैराग्राफ राइटिंग, ताकि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपके माइंड में एसे का स्ट्रक्चर हो। तो बेसिक इंग्लिश ठीक करें आप, उसके साथ ही पाक अफेयर से स्टार्ट करें। ठीक है, पाक अफेयर से क्यों? क्योंकि पाक अफेयर विल कवर योर योर सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर भी कवर हो जाएगी आपसे, वहाँ से कुछ पोर्शन पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन कुछ कवर हो जाएगा, उसके साथ ही आईआर है आपकी, तो आईआर की फॉरेन पॉलिसी आपकी कवर हो जाएगी तकरीबन सब कुछ।
और जो भी पेपर्स हैं उसमें जाहिर सी बात है एक पाकिस्तान की टच होती है, तो ओवरऑल पाकिस्तान का पाकिस्तान अफेयर आपकी कवर हो जाएगी, तो इट विल गिव यू एज इन अदर सब्जेक्ट्स। और थर्ड जो मैं काफ़ी जिस पे एम्फेसिस करता हूँ, फोकस करता हूँ, कि यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में लाजमी ओवरव्यू ले लें। अच्छा तरीका ये है कि कोई बुक पढ़ लें, बीवी राव का बुक है, अच्छा बुक है, और एक मार्टिन का बुक है, वो अच्छा बुक है, वो पढ़ लें। या अभी जुगाड़ू हैं हम मेरी तरह या निकम्मे हैं, तो आप चैट जीपीटी से कहें कि लास्ट 3 सेंचुरीज के जो मेन मेन इवेंट्स हैं, 100-200 इवेंट्स जो भी हैं मेन, उनके बारे में, उनसे एक एक इवेंट के बारे में पूछें वो क्या थे। पहले सिर्फ इवेंट पूछें और उनके बाद उनसे पूछें कि वो इवेंट्स में क्या क्या हुआ है, ताकि यू मस्ट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, के क्या हो चुका है दुनिया में। जब आपको हिस्ट्री का पता होगा, देन यू विल हैव अ गुड एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट अबाउट द करंट इवेंट्स। तो दिस विल बी द गुड स्टार्ट मेरे हिसाब से। मुझे जी सर, सुना है कि सीएसएस जो है 3 महीने में हो जाता है, आपके हिसाब से कितना टाइम चाहिए होता है, साल चाहिए होता है, 3 महीने चाहिए होते हैं, या उससे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आपके हिसाब से कितना टाइम चाहिए होता है? जी मुजीब, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से द प्रॉब्लम इज, जब रिजल्ट आ जाता है सीएसएस का, तो जो एस्पायरेंट्स होते हैं मेरे जैसे, वो जज्बात में आ जाते हैं, तो वो कभी कभी जज्बात में कुछ ऐसे अल्फाज निकाल लेते हैं जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक लड़की थी हमारी कुलीग, तो जब रिजल्ट आया तो जज्बात में वो कह गई कि मैं सीएसएस की तैयारी के दौरान 25 घंटे एक एक दिन में पढ़ती थी। अभी वो उनसे पूछना पड़ेगा कि 25 घंटे वो कैसे तैयारी करती थी। तो ये जो 3 मंथ और द 4 मंथ का ये जो सवाल है, मेरे हिसाब से ये इसी तरीके से ही है कि मैं 25 घंटे एक दिन में पढ़ता था। मेरे हिसाब से सीएसएस की जो जर्नी है वो एवरी पर्सन के लिए एक टेलर मेड होती है, डिफरेंट होती है। किसी के लिए 6 मंथ्स आर इनफ, किसी के लिए 12 मंथ्स आर इनफ, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 5 ईयर्स। मैंने देखे हैं, एक हमारा दोस्त है वो पीएसपी ग्रुप में है, तो ही टुक 5 ईयर्स फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही इज नाउ सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस एंड ही सेड के 5 ईयर्स आर वर्थ इट, कोई इशू नहीं है। तो अपने हिसाब से अपना वक्त डिज़ाइन करें, डू नॉट फॉलो अदर्स। यहाँ पर CSS के एक जर्नी में कोई फॉरेन ग्रेजुएट होता है, तो कोई एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होता है, तो कोई लम्प से आता है, तो कोई कायदे आजम से आता है, तो एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन बैकग्राउंड, ओन पोजीशन, ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप भी अपने हिसाब से अपना वक्त डिज़ाइन करें, डू नॉट फॉलो अदर्स। लेकिन अगर कोई फिर भी मुझसे पूछ ले कि एक एवरेज बच्चा कितना टाइम ले CSS के लिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी गाइडेंस हो तो 1 ईयर इज इनफ फॉर CSS, एक साल में CSS हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मुझे सर, लास्ट में जो एस्पिरेंट CSS करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेजेस तो काफ़ी हैं, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिस जर्नी विल गिव यू मैनी थिंग्स, लेकिन उस जर्नी के दौरान आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाजमी रखना है, मेंटेन करना है, और उसके साथ ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में भी, आपकी प्रिपरेशन में भी, आपकी लाइफ में भी। सेल्फ परसिवरेंस होनी चाहिए, परसिवरेंस, और उसके अलावा पेशेंस भी लाजमी है इस फील्ड में। और एक और चीज़ कि आपकी नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देम सेल्फ, तो सुना होगा आपने। और एक और भी है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है, तो अगर आपकी नीयत यही होगी कि इफ़ गॉड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल्स, टू बी द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यू विल एटलीस्ट सर्व द पीपल, नॉट सर्व यूर सेल्फ। ठीक है, तो ये एक आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी मोरली करप्ट, रिमेंबर माई वर्ड्स, यू शुड नॉट बी मोरली करप्ट। ठीक है, मोरलिटी आपकी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़, और एक इसके साथ ही एक और चीज़ के CSS को अपने माइंड का बर्डन नहीं बनाना। एक जर्नी है, उसमें तैयारी, एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, दिस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर। जैसे कहते हैं कि ये जो फैज साहब का शहर है ना, कि दिल नाउमीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है शाम मगर शाम ही तो है। तो थोड़ी जर्नी टफ होती है, कभी कभी हार्श हो जाती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मोटिवेट रखें अपने आप को, सेल्फ डिसिप्लिन से तैयारी करें और मंजिल मिल ही जाएगी। एक शेर और भी है ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, नाकाम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल मिल जाएगी, बस हिम्मत करनी है और लगाव रखना है बुक से।
बुक्स आपके फ्रेंड होने चाहिए इस जर्नी में, पेन का साथ आपने नहीं छोड़ना और सीएसएस हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो उम्मीद है आप लोगों को इंटरव्यू सुन के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ आप लोगों के सामने मौजूद होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।